हेलो डियर स्टूडेंट, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के द्वारा दोस्तों मॉडल पे पेपर सेट जारी किया गया है, जो कि तीन सेट में हैं, है ना, सेट ए, बी और सी। तो हम तीन वीडियो के माध्यम से सेट ए, बी और सी तीनों को सॉल्व करेंगे, ताकि आपका परीक्षा का तैयारी पूरा अच्छा से हो जाए, क्योंकि तीनों सेट को यदि आप पढ़ते हैं तो आपका संपूर्ण तैयारी होगा। तो तीनों सेट को आपको पूरा रट लेना है और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र, फिजिक्स पहले ही मैंने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह का पहले ही जारी कर दिया है। तो आइए देखते हैं, सेट ए का है, निम्नलिखित अवस्थाओं में कौन सी अवस्था सदैव स्वतः प्रवर्तित क्रम प्रमुक्ति करेगी। तो पहला ऑप्शन सही है, डेल एच, किसी ऐसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक वेग को बढ़ाता है, वेग को घटाता है, वेग को परिवर्तित कर देता है। तो सही आंसर है, वेग को बढ़ा देता है। भूपर पट्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम आएगा। निम्नलिखित कौन सा ऑक्साइड प्रबलतम अम्ल है, तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्रबलतम अम्ल है। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु होता है, चतुर संयोजी। खंड रिक्त स्थान की पूर्ति करे, पानी का मूलानुपाती सूत्र क्या है, H2O है। वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहते हैं, तो वर्ग 18 के तत्वों को जीरो समूह या उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, फ्लोरीन है। कार्बोनियम आयन के कार्बन पर क्या आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। प्रोटीन खारिज स्थान का बहुलक है, अमीनो एसिड का। सत्य सत्य लिखे अणु सूत्र मूलानुपाती सूत्र का पूर्णांक गुणज होता है, सत्य है। कोलाइडी कणों में विद्युत आवेश होता है, सत्य है। आदर्श गैस नियमों का पालन करती है, सत्य है। फिनाल का स्वभाव उदासीन होता है, सत्य है। पैरासीटामॉल का उपयोग दर्द और ज्वरनाशी के रूप में किया जाता है, सत्य है। प्रश्न 2 से लेकर 7 तक लघु उत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक पर 2 अंक निर्धारित है। तो मानक ताप और मानक दाब किसे कहते हैं, तो IUPAC के मानक ताप और दाब निर्धारित किया जाता है, जो निम्नलिखित है। मानक ताप 273.15 केल्विन होता है और मानक दाब जो है 100 kPa, 1 bar 14.5 होता है। स्व उत्प्रेरक क्या है, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई उत्पाद स्वयं को उत्प्रेरक का कार्य करता है तो वह स्व उत्प्रेरक कहलाता है। हम इस परिघटना को स्व उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है। आणविकता से आप क्या समझते हैं, किसी अभिक्रिया के क्रियाकारकों की स्पीशीज परमाणु या अणु की वह न्यूनतम संख्या जो आपस में संघट करके उत्पाद या क्रियाफल में प्रवर्तित हो जाते हैं, आणविकता कहलाता है। निष्क्रिय युग्मक के युग्म प्रभाव के लिए उत्तरदायी 2 कारणों का उल्लेख कीजिए, तो एस इलेक्ट्रॉनों की रासायनिक आबंधन में प्रतिस्तंभता निष्क्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। निष्क्रिय युग्म प्रभाव के 2 कारण माना जाता है, परमाणु का माप बड़ा होने के कारण ऑर्बिटल का कम अतिव्यापन होता है, इससे आबंध ऊर्जा कम हो जाती है। लैंथेनाइड संकुचन क्या है, तो लैंथेनाइड में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिकीय आकर्षण तो बढ़ता है जाता है, लेकिन उसे संतुलन करने वाला परीक्षण प्रभाव उत्पन्न नहीं होता। निम्नलिखित के IUPAC नामकरण कीजिए, CHCOOH, तो ये होता है एथेनोइक एसिड, और दूसरा है प्रोपेनॉन। प्रश्न 8 से 13 तक 3 नंबर के सवाल है, नाइट्रोजन गैस के एक नमूने में नाइट्रोजन के 4.22 × 102 अणु है, नाइट्रोजन गैस के मोलों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, आपकी गाइड में भी दिया है, नवबोध या प्रबोध में आपको मिल जाएगा प्रश्न, लेकिन दोस्तों आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें तो आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। एक मोल अणु का मान दिया हुआ है, ये इसको जो है अपन मोलों की संख्या से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। संयोजकता आबंध सिद्धांत और आणविक कक्षक सिद्धांत के बीच अंतर लिखे, तो BBT बोलते हैं इसको, संयोजकता बंध सिद्धांत, और आणविक सिद्धांत को जो है MOT बोलते हैं। तो यह 2 परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से बनता है, यह 2 परमाणुओं के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से बनता है। इसे बंध बनाने वाले परमाणु अपनी पहचान नहीं खोते, जबकि इसे परमाणु अपनी पहचान खो देते हैं। अणुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, तो अणुचुंबकीय पदार्थ जब अणु परमाणु व आयन में एक
एक से अधिक एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर आकर्षण कम हो जाता है, तब यह अनुचुंबकीय गुण कहलाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जब पदार्थ को चुंबक क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबक के प्रति कमजोर रूप से आकर्षित होता है। लौह चुंबकीय, वे पदार्थ जो प्रबलता के साथ उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है उसे कहते हैं। निम्नलिखित पदार्थों के निलंबन को कोलाइडी विलयन और वास्तविक विलयन में वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा ये वाला का है, तो निलंबन क्या होगा, पानी में मिट्टी, पानी में बालू। कोलाइडी विलयन क्या होगा, दूध है, रुधिर है, बूट पॉलिश है, चेहरे की क्रीम जेली। वास्तविक विलयन क्या है, पानी में शर्करा। याद कर लीजिएगा इसको। ग्लूकोज के दहन से उत्पन्न ऊर्जा निम्नलिखित समीकरण में दी गई है, तो ग्लूकोज के उत्पादन के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ग्लूकोज को उत्क्रम अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इस समीकरण को नोट कर लीजिए दोस्तों, है ना। अब समीकरण एक मोल ग्लूकोज इक्वल टू के लिए 180 ग्लूकोज बनाने के लिए ऊर्जा 2840 किलो जूल होगा। तो इस समीकरण के द्वारा इसको दर्शा देना है। निम्नलिखित पदों की व्याख्या करें। निस्तापन मर्जन लिखा गया, भर्जन है प्रकलन। तो निस्तापन, इसमें अयस्क को हवा की सीमित मात्रा में उस ताप तक गर्म किया जाता है कि अयस्क द्रवित ना हो। भर्जन, इसमें अयस्क को हवा की असीमित मात्रा में उस ताप पर गर्म किया जाता है, अयस्क द्रवित ना हो। प्रकलन, बोर मॉडल रदरफोर्ड मॉडल से किस प्रकार बेहतर था समझाइए। तो रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में बताया था कि इलेक्ट्रॉन निरंतर अपनी कक्षा में उत्सर्जन करते हुए गति कर रहा है, इस हिसाब से कक्षकों के ऊर्जा के आकार में कमी आएगी और सिकुड़कर परमाणु के नाभिक में गिर जाएगा। जबकि बोर के कोणीय संवेग के आधार पर समझाया गया तथा रदरफोर्ड के मॉडल के दोषों को दूर किया गया। बोर मॉडल में क्या दोष थे, इसके द्वारा ऐसे परमाणु की स्पेक्ट्री रेखाओं की व्याख्या नहीं हो पाती जिनमें अनेक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह मॉडल चुंबकीय अथवा विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के अंतर्गत स्पेक्ट्री रेखाओं के विभक्त हो जाने की व्याख्या करने में असमर्थ है। निम्नलिखित संकुलों के IUPAC नामकरण करना है। तो देखिए लाइन से मैंने इसका आंसर भी लिखा है ना, ठीक है। इसका पहला वाला का नाम होगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमियम, सेकेंड वाले का नाम होगा डाई क्लोरो डाई एमिन डाई एल्को कोबाल्ट, थर्ड वाले का नाम होगा 20 एथिलीन डाई एमिन प्लेटिनम और निकिल टेट्रा क्लोरो निकिलेट। तो इसको अच्छे से रट लीजिएगा दोस्तों, ये 100% आएगा परीक्षा में। इसके बाद है निम्न संकुलों के लिए सूत्र लिखिए। ट्रिस एथिलीन डाई एमिन प्लेटिनम टेट्रा एक्वो डाई ब्रोमो कोबाल्ट, है ना, सोडियम टेट्रा आयोडो जिंकेट। तो लाइन से इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। पहला वाला का आंसर है, दूसरा का है, तीसरा का है, चौथा का ये वाला को नहीं पूछा गया है सवाल में। टेट्रा साइनोनिकलेट आयन सिर्फ यहीं तक बस पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद देखें KP और KC में क्या संबंध होते हैं। तो KP और KC में संबंध निम्नलिखित है ना, ये समीकरण है दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये रेगुलर वाले के कोर्स में भी है ये सवाल। सेल के लिए चित्र बनाना है, एनोड और कैथोड की पहचान करना है, सेल की अभिक्रिया को लिखना है, सेल के लिए निर्दिष्ट समीकरण लिखना है। तो ये है सभी का आंसर एक साथ, ठीक है। इसमें एक साथ है, पूरा चित्र भी है और इसके आंसर भी है। तो आपको चित्र बना लेना है, इसका समीकरण देना है और नष्ट समीकरण भी लिखना है। अपने भोजन के तीन ऐसे घटक बताइए जिससे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अनाज, फल, शर्करा, तीन ऐसे घटक जिसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पेप्टाइड बंध क्या है, तो प्रोटीन एमिनो अम्लों द्वारा बने होते हैं, जो एक एमिनो अम्ल के NH समूह और दूसरे एमिनो अम्ल के COOH समूह के बीच बने एमाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। ये समीकरण को बना देना है। निम्न को समझाइए, मिलान कीजिए। तो विटामिन सी क्या होता है, ब्लीडिंग गम मसूड़ों से खून। विटामिन बी में क्या होता है, कठोर त्वचा। विटामिन बी में एनीमिया, नीचे में उत्तर है। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, तो नोट कर लीजिए ट्राइग्लिसराइड को। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं प्रश्न 18 में। निम्नलिखित समीकरण सही समझाइए। फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, मार्कोनिक ऑफ कनियम और कार्बिल एमिन परीक्षण, तो सभी का आंसर है, नोट कर लीजिए।
ये कार्बी लेमिन परीक्षण है। निम्नलिखित की समीकरण सहित व्याख्या कीजिए। टॉलेन परीक्षण, सेट जोप का नियम। तो टॉलेन परीक्षण है, वुड्स अभिक्रिया भी है साथ में। टॉलेन परीक्षण, उत्तर टॉलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड की कार्बोक्सिलिक अम्ल में आक्सीकृत कर देता है, सेट जोप का नियम। और वुड्स अभिक्रिया, यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ समझा देता हूँ। जैसे CH3 लिखा है ऐसा, तो ये जो है जब मैं प्रिंट किया तो यहाँ पर 3 जो है ऑटोमेटिक ऊपर चला गया, जबकि ये ऐसा लिखा जाता है। तो कोई भी संख्या लिखा होगा तो उसको आपको ऐसे नीचे में प्रदर्शित करना है। अगर CH4 लिखना है, मीथेन लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। वुड्स अभिक्रिया का समीकरण है 19। जल के 4 प्रमुख प्रदूषक के नाम लिखे। तो प्लास्टिक घर और उद्योग, मछली और पशुओं जैसे गाय को मारता है, ठीक है। कोई 2 औषधियों के नाम लिखे जो ज्वरनाशी और पीड़कनाशी की तरह उपयोग की जाती है। तो पैरासीटामोल फिनास्टीन ज्वरनाशी पीड़क है। औषधियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो ज्वरनाशी एंटीपायराइड शरीर का तापमान घटाती है, पीड़कनाशी दर्द कम करती है। इसको थोड़ा रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा आपको। ओजोन छिद्र क्या है? ओजोन की कमी के प्रभाव क्या है? तो ओजोन छिद्र को समझाया गया है, नोट कर लीजिए, आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। तो ये सेट ए के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में अपन सेट बी का सॉल्यूशन देखेंगे। ये नीचे में है देखिए, CGS केमिस्ट्री सेट बी एंड सी।